हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई स्टडी। ईपीएफओ एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन की ओर से एक एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया है। स्टेनो का एग्ज़ाम था जो एनटीए ने कंडक्ट करवाया था, और यह एग्ज़ाम आप लोगों का 1 अगस्त को टोटल 2 शिफ्टों में सक्सेसफुली कंडक्ट करवा लिया गया है। इसमें आप लोगों की टोटल 2 शिफ्ट थी। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है और एग्ज़ाम का लेवल क्या रहा है। आप लोगों का सारी चीज़ें देखेंगे। तो एग्ज़ाम का लेवल आप लोगों का इजी टू मॉडरेट देखने को मिला है। कैसा? इजी टू मॉडरेट। और इसमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम कैंडिडेट्स को आई है रीजनिंग वाले सेक्शन में आई है। 50 क्वेश्चन थे, उसमें से आउट ऑफ 50% मैथमेटिक्स पूछ लिया गया है। जिन्हें कैंडिडेट्स को आइडिया नहीं था, वो सोच रहे थे कि इसमें रीजनिंग आने वाली है, तो थोड़ी सी वहाँ पर आप लोगों का इफेक्ट पड़ेगा कट ऑफ पर, क्योंकि वो मैथमेटिक्स वाले क्वेश्चन हर कोई कैंडिडेट प्रिपेयर करके नहीं गया था। बाकी आप लोग जानते हैं इसमें सेक्शनल कट ऑफ भी है, तो वो भी मैटर करेगी। सेक्शनल कट ऑफ भी है, नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4, तो वो भी मैटर करेगी। उसके बाद इसमें नेगेटिव मार्किंग है, और देन आप लोगों का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ स्किल टेस्ट के लिए है। स्किल टेस्ट में कितने गुना कैंडिडेट को लिया जाएगा, तो जितनी इसमें वैकेंसी है उस वैकेंसी का 10 टाइम्स कैंडिडेट को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। और जो स्किल टेस्ट होगा आप लोगों का ये क्वालिफाई नेचर का होगा, इसके मार्क्स सिलेक्शन में ऐड नहीं होंगे। फाइनल सिलेक्शन आप लोगों का जो फेज़ 1 कंडक्ट करवाया गया है आज 2 शिफ्टों में, उसी के बेस पर जितना स्कोर आप लोगों का आता है मेरिट बनेगी और आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। तो देख लेते हैं, मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। और कट ऑफ जो आप लोगों को बनेगी वो 800 में से बनेगी। 200 क्वेश्चन थे, 1 क्वेश्चन आप लोगों का 4 नंबर का था। तो फाइनल कट ऑफ बता रहा हूँ, ये स्किल टेस्ट के लिए नहीं है। अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो कम से कम आप लोगों को 5 से 10 क्वेश्चन ऐड करने पड़ेंगे। 20 से 40 मार्क्स इसमें ऐड करिएगा फाइनल सिलेक्शन के लिए, जो मैं आप लोगों को कट ऑफ बता रहा हूँ। कट ऑफ जो मैं अभी बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, ये सिर्फ और सिर्फ स्किल टेस्ट के लिए है। इससे कम ही जाएगी स्किल टेस्ट के लिए, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। मैं भी फिर भी थोड़ा सा आप लोगों को सेफ जोन में लेकर चल रहा हूँ। तो अनरिजर्व की जो कट ऑफ रहेगी आप लोगों की 130 से 140 क्वेश्चन, और मार्क्स पूछे तो मार्क्स 520 से 560 के बीच अगर आप लोगों के मार्क्स बन जाते हैं, या इससे अगर 5 से 10 क्वेश्चन कम भी रहते हैं, तब भी आप लोगों का जो सिलेक्शन है स्किल टेस्ट के लिए एटलीस्ट हो जाएगा। इन फाइनल सिलेक्शन के लिए आप लोगों को 5 से 10 क्वेश्चन ऐड करने होंगे, क्योंकि 10 टाइम्स बच्चे हैं, 9 टाइम्स बच्चे बाहर जाएंगे। तो ये थी आप लोगों की अनरिजर्व की कट ऑफ। उसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है आप लोगों की ओबीसी की। ओबीसी में अगर आप लोग के 120 से लेकर के 130 क्वेश्चन के बीच करेक्ट हो जाते हैं, तो आप लोगों की पॉसिबिलिटी है फिर आपको स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। अगर बात करें नंबर की, तो 480 से लेकर के 520 के बीच आप लोगों के मार्क्स होने चाहिए फॉर ओबीसी कैटेगरी। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी के लिए। तो ये आती है आप लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इसमें अगर आप लोगों के 120 से 130 वही ओबीसी के बराबर ही ऑलमोस्ट रहता है इसका, और मार्क्स आप लोगों के 480 से 520 के बीच अगर बन रहे हैं, तो आप लोगों की चांसेस है कि आप लोगों को स्किल टेस्ट के लिए कॉल किया जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की ओर। नेक्स्ट आता है आप लोगों का एससी वाला। एससी में अगर आप लोगों के 100 से लेकर के 110 क्वेश्चन के बीच करेक्ट होते हैं, और मार्क्स आप लोगों के 400 से लेकर के 440 के बीच बन जाते हैं, तो आप लोगों की पॉसिबिलिटी है कि स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन के लिए आप लोगों को कम से कम 5 से 8 क्वेश्चन जो है वो ऐड करने होंगे इसमें, यानी कि 115 से 118 क्वेश्चन आप लोगों के करेक्ट होने चाहिए फॉर फाइनल सिलेक्शन इन एससी कैटेगरी। चलते नेक्स्ट कैटेगरी। नेक्स्ट आती है आप लोग एसटी वाली। इसमें आप लोगों के जो क्वेश्चन है 90 से लेकर के 100 के बीच आप लोगों के करेक्ट होने चाहिए, और मार्क्स आप लोगों के 360 के बीच में या 400 के बीच की रेंज में होने चाहिए, जिससे आप लोगों को एक स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फाइनल सिलेक्शन के लिए आप लोगों को यहाँ पर भी 5 से 10 मार्क्स ऐड करने पड़ेंगे, मीन्स 110 से 100 से लेकर के 110 क्वेश्चन के बीच अगर एसटी कैटेगरी वाले कैंडिडेट सही जा रहा है हो रहे हैं, तो उसका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा एज ए स्टेनोग्राफर पोस्ट इन ईपीएफओ। तो ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी जो अभी मैंने बताई आप लोगों की। बाकी आंसर की आप लोगों की 1-2 दिन में आ जाएगी, और आप लोग भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों ने कितने अटेम्प्ट किए और आप लोगों की क्या कैटेगरी है। एक पोल मैं टेलीग्राम पे भी करवा दूंगा और यूट्यूब पे भी करवा दूंगा, तो आप लोग भी कमेंट कर दीजिएगा कि आप लोगों ने कितने अटैम्प्ट किए और आप लोगों की क्या कैटेगरी है। बाकी आंसर की आप लोगों की 2-3 दिन में आ जाएगी। आई होप आप लोगों को कट ऑफ की एनालिसिस पसंद आई होगी, और अगर हाई स्टडी चैनल की ओर से की गई कट ऑफ की एनालिसिस पसंद आती है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन रखिए, जिससे आंसर की जो आएगी उसकी अपडेट आप लोगों को सबसे पहले मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।